नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक नई भर्ती को लेकर आया हूं यहां पर, IPPB रिक्रूटमेंट 2022। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड में ये वैकेंसियां आई हुई हैं। खुशी की बात यह है कि दोस्तों 650 वैकेंसीज में यहाँ पर रखे गए, इनकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा इसकी फुल डिटेल्स के बारे में। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 650 संविदा के पदों पर यहाँ पर ऑनलाइन जो है आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता देता हूँ IPPB रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं तो विभाग का नाम आप जानते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड होगा। टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा, यहाँ पर क्लिक करिए। मैं आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। पदों का जो नाम होगा आपका ग्रामीण डाक सेवा। आप सोचेंगे पदों गवर्नमेंट जॉब होगी, तो देखिए सभी जो बैंक्स हैं वो अंडर गवर्नमेंट ही है, तो ये जॉब भी आपका गवर्नमेंट ही होगा। बेशकली आपका संविदा के, लेकिन आपको इसमें 2 साल के लिए अनुभव के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें प्रॉपरली परमानेंट कर दिया जाएगा। पदों का जो नाम है वो ग्रामीण डाक सेवन के GDS-B इसको बोल सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में GDS के रूप में आप 2 साल के अनुभव के साथ यहाँ पर स्नातक के इसमें आपकी चाहिए होगी। उसके बाद आपकी इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, 30,000 रुपये। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा राज्य के अनुसार ये सरकारी नौकरी है। आवेदन करने का जो तरीका होगा वो आपका यहाँ पर ऑनलाइन होगा, और राष्ट्रीयता आपकी उम्मीदवार की ओनली और इंडिया होनी चाहिए। सबसे थोड़ा मैं नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा आपकी यहाँ से 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आपकी होनी चाहिए, और आयु सीमा 30/4/2022 होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सैलरी देख लेते हैं, तो यहाँ पर 30,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं, चयन की प्रक्रिया, यहाँ पर प्रारंभिक जांच के बाद आयोजित होने वाली परीक्षण में प्रदर्शन के आधार पर कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी नीचे प्रकाशित ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आवेदन जो कैसे करना है वो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, पॉज करना है वीडियो को, पढ़ लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आवेदन की फीस के बारे में बात कर लेते, तो जनरल OBC EVS के लिए 700 रुपये होगी, SST PW के लिए भी 700 रुपये यहाँ पर रखी गई है। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।